बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निज़ारे टीवी में खुशामदीद। इस्माइली शियों का एक मुनज़्ज़म फ़िरका है जहां सिलसिले इमामत आज भी जारी है। आज हम आपको इस्माइलियों के आइन यानी दस्तूर के बारे में बताएंगे। इस्माइली आइन को पढ़ते हुए या इसका मुताला करते वक्त मंदरज़ेल बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। नंबर वन, ये आइन इमाम की तरफ से मुकर्रर किया गया है हुकूमत के लिए और कम्युनिटी की बुनियादी फ़ायदे के लिए। ये एक फरमान है। नंबर टू, इमाम अलैहिस्सलाम और इनका इलाही इख्तियार अलग है, वो आइन और इसकी हुकुमरानी से बाला तर है। नंबर थ्री, आइमा की रहनुमाई कुरान से है या कुरान की तावील है, ये फरमान से लिया गया है या ये भी एक फरमान है। नंबर फोर, इमाम फरमाते हैं कि आइन तमाम इस्माइलियों को आज़ादाना तौर पे दिया जाए और फरमान के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि आइन भी खुद एक फरमान है। इस्माइली आइन इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म से 1986 में वजूद में आई। इस आइन का इतलाक सबसे पहले कनाडा के इस्माइली जमात पर हुआ और इस तरह दुनिया के तमाम इस्माइलियों पर इसका इतलाक हो गया। इस्माइली आइन 10 आर्टिकल्स या 10 शिकों पर मुश्तमिल है। आइए जानते हैं ये 10 आर्टिकल्स क्या है। नंबर वन, अथॉरिटी ऑफ इमाम। इस्माइली आइन तमाम बुनियादी इस्लामी अकायद की तौसीह करता है और फिर वाज़ह तौर पर इमामत के नज़रिए पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ये शिया इस्माइली अकायद के जौहर को बयान करता है और शहादत की तस्दीक करता है, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है। ये आइन इमाम के इख्तियार को बयान करती है, ये कि इमाम ज़मान की बैयत बिला शुबा रसूल की बैयत है, जिससे दुनिया के तमाम इस्माइलियों में भाईचारा और अखुवत पैदा होती है। इस आइन से इमाम से मोहब्बत और वफादारी पैदा होती है। आइमा से मोहब्बत, भाईचारगी, इंसाफ, रवादारी और खैर सगाली के इस्लामिक तसव्वुरात के मुताबिक ये दस्तूर बनाया गया है। नंबर टू, लीडर्स इंटरनेशनल फोरम। इस्माइली आइन का आर्टिकल 2 कायदीन का बैनुल अक्वामी फोरम कायम करता है, जो सेक्शन 2 के मुताबिक इमाम से जमात को मुतासिर करने वाले किसी भी मामलात, सरगर्मियों, मुफादात या सवालात पर तबादले ख्याल करने के लिए इमाम से वक्तन फवक्तन मुलाकात करता है। इन मामलात का जवाब कैसे दिया जाए, ये इख्तियार सिर्फ इमाम ज़मान के पास है। सेक्शन 4 फोरम का ढांचा कायम करता है, वहाँ एक मेंबर और चेयरमैन होगा जिनका इंतखाब कौमी कौंसलों के सुदूर में से होगा या बाद अज इमाम ज़मान की तरफ से मुकर्रर होगा। नंबर 3, कौंसल्स। सेक्शन 5 एक कौंसलों के 3 हिस्से तख्लीक करता है, कौमी, अलाकाई और मुकामी, जमात की सरगर्मियों का या किसी भी मुख्तलिफ आहताब में जाहिर हो सकता है। बशमूल रजाकाराना तौर पर सहूलत फराहम करना और जमात के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग तैयार करना। सेक्शन 5 तो पहले शेड्यूल में बयान करदा 14 ममालिक में कौमी कौंसलें कायम करता है और इस सेक्शन 5(2) और कौमी कौंसलों के ज़रूरत के मुताबिक इलाकाई और मुकामी कौंसलें कायम करने की इजाज़त देता है। नंबर 4, अपेक्स इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 6 में कायम किए गए आला इदारे मखसूस अहदाफ की तकमील के लिए बनाए गए हैं, जैसा कि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर।
नंबर 5 तरीका एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड सेक्शन 8(1) फोर्थ शेड्यूल में दर्ज मुख्तलिफ मुमालिक के लिए एक तरीका और दीनी तालीमी बोर्ड कायम करता है। किताब और माउने तहकीकी और किताबी इशाते जो इस्लाम और इस्माइली तरीक़े से गुज़र मरकूज है ये बोर्ड तश्कील देता है। लोकल बोर्ड का चेयरमैन या मुखी साहब इन ओहदों पर फाइज होगा। नंबर 6 ग्रांट एंड रिव्यू बोर्ड इमाम और जमात दूसरे इदारों को रकम फरहम कर सकते हैं जो कि आर्टिकल 9 में बनाए गए हैं। ये सहूलत ग्रांट्स और रिव्यू बोर्ड फरहम करता है। यहाँ का चेयरमैन एजाजी सेक्रेटरी और दिगर मुकरर करदा मेंबरान होते हैं। इन तमाम मेंबरान की मुद्दत 3 साल है। ये बोर्ड छोटे और मुकामी बोर्ड तश्कील दे सकता है। नंबर 7 जमात खानास आर्टिकल 7 शिक नंबर 10 इमाम अलैहिस्सलाम को इख्तियार देता है कि वो किसी भी जगह को जमात खाने के तौर पर नामजद कर सकता है। ये इमाम का अलाकाई हेडक्वार्टर है जहां जमात इमाम के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इनका जिम्मेदार मुखी और काबिरिया साहिबान होते हैं। नंबर 8 मुखी और कामरिया साहिबान शिया इमामी मुसलमानों के कवायद जवाबित जमात खानों के मुखी और कामरिया साहिबान की जिम्मेदारी है। इनके फ़राइज में रसूमात की इंजाम दही पैदाइश और शादियों जैसे वाकयात का अंदराज इनके जमात खाने में नज़्म व नस्क बरकरार रखना और कौंसलों और दिगर मुकामी इदारों की मदद करना शामिल है। आर्टिकल 8 शिक नंबर 11 कहता है कि इमाम मुखियों कामरियों की तकर्रुरी और इनके इख्तियारात फ़राइज़ की अदायगी की मुद्दत और दिगर ज़रूरी उमूर का फ़ैसला खुद करेगा। नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्बिट्रेशन बोर्ड आर्टिकल 9 शिक नंबर 12 एक बैनुल अक्वामी और सालिसी बोर्ड कायम करता है जो एक चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल होता है जिनमें से सबकी मुद्दत 3 साल होती है। ये अदारा जमात के अंदर पैदा करदा तनाजात का हल तलाश करती है। जमात का किसी दूसरे पार्टी से तनाज़ा भी इस इदारे के दायरे इख्तियार में है कि वो किस तरह इसका हल तलाश करे। नंबर 10 IIS लंदन ये इदारा इस्माइली मज़हब के अंदर लिखी हुई तमाम किताबों और इशातों का ज़िम्मेदार होगा। यह इदारा वाइजिंग की ट्रेनिंग और इस्माइली फ़िरके के अंदर तबलीग का काम भी जारी रखेगी। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूले। निज़ारे टीवी के साथ रहे। शुक्रिया।